वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, कल शाम को एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि राम पोतीनेनी की अपकमिंग फिल्म यानी कि रेड, जो कि रीमेक है तमिल सुपरहिट फिल्म थड़म की, जो पहले से ही हिंदी और तेलुगु दोनों ही वर्जन्स में, डब्ड वर्जन में अवेलेबल है। ये जो फिल्म है यानी कि रेड, इस फिल्म को 7 अलग अलग भाषाओं में, जिसमें हिंदी वर्जन भी शामिल है, 7 अलग अलग भाषाओं में रिलीज करवाया जाने वाला है। तो इस खबर के वायरल होने के बाद काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त थे जिनके डीएम्स मुझे आए, और क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था इस खबर से, तो पहली बात तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि ये सही में 7 अलग अलग भाषाओं में आ रही है या नहीं। तो इस खबर के वायरल होने के बाद मैं सीधा सोशल मीडिया पे चला गया, जितने भी तेलुगु पेजेस हैं जो कि टॉलीवुड की खबरों को कवर करते हैं, वहां पर गया कि आखिरकार ये खबर कहां से निकल के आ रही है। तो हर जगह पर ये पोस्ट लिखा हुआ था कि रेड जो है 7 अलग अलग भाषाओं में रिलीज होने वाली है, पर किसी भी मेन बड़े पेज ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया कि ये रिलीज किस तरह से होने वाली है। तो इसी पर लेकर आज का ये हमारा वीडियो है, जहां पर आज हम ये कंफर्म करेंगे कि ये फिल्म किस तरह से आने वाली है भी या नहीं, और कौन कौन सी भाषा में सही में रिलीज हो रही है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये जो खबर है, ये सामने निकल के आई फिल्म के प्रोड्यूसर्स के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद, जो स्टेटमेंट उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल में दिया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस आर्टिकल में फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा था कि राम पोतीनेनी की इस फिल्म यानी कि रेड के टीजर्स, ट्रेलर्स और पोस्टर्स वगैरह को जिस किस्म का रिस्पॉन्स मिला है, उन्हें देखकर हमें लग रहा है कि इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफ़ी अच्छा खासा एक्साइटमेंट भी है, और राम पोतीनेनी के बढ़ते मार्केट को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस फिल्म को 7 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके या फिर कहें डब्ड करके रिलीज करवाने वाले हैं। ठीक है, ये खबर थी जितना हमने सोशल मीडिया पेजेस पर देखने को मिला, पर जो बाकी की खबर थी वो इसके नीचे लिखी हुई थी। यहां पर आगे बताते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर ने यह कहा कि फिल्म का जो कन्नड़ा वर्जन होगा वो 14 जनवरी को यानी कि तेलुगु वर्जन के साथ ही रिलीज करवाया जाएगा, यानी कि 14 जनवरी को जब फिल्म तेलुगु में रिलीज होगी उसी के साथ कन्नड़ा में भी रिलीज करवाई जाएगी। इसके अलावा फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है उसे थिएटर्स में रिलीज नहीं करवाया जाएगा, उसे ओटीटी पर रिलीज करवाया जाएगा, और उसके बाद जितने भी बाकी वर्जन्स बचते हैं यानी कि हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, मलयालम, इन सभी वर्जन्स को धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में यानी कि जनवरी के महीने के अंत तक रिलीज करवा दिया जाएगा। तो ये जो खबर है ये पूरी तरह से एक ऑफिशियल खबर है, और वैसे तो ये जो आर्टिकल था मैंने कल पढ़ लिया था, पर फिर भी मुझे जो था कि अंदर से डाउट था, क्योंकि काफी बार आर्टिकल में मनगढ़ंत बातें भी लिखी आ जाती हैं। पर आज शाम को फिल्म के ऑफिशियल प्रोड्यूसर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक रीट्वीट करते हुए इस पूरी खबर को क्लियर कर दिया है कि ये जो खबर निकल के आ रही है 7 लैंग्वेज में रिलीज होने की, ये बिल्कुल सही है। पर यहां पर कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये जो फिल्म है 14 जनवरी को हिंदी में भी आएगी, तो ये जो खबर है ये बिल्कुल ही गलत है। फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। प्रोड्यूसर ने यह कहा है कि बाकी जो डब्ड वर्जन है वो धीरे धीरे करके रिलीज होंगे। तो ये तो उन्होंने कहा है कि वो जनवरी के अंत तक फिल्म के हिंदी डब वर्जन या फिर बाकी सभी वर्जन्स को रिलीज करवाने की कोशिश करेंगे, पर आपको और हमें पता है कि एक साउथ इंडियन फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने में कितनी दिक्कतें आती हैं, और कितना टाइम और कितना वक्त लगता है, और कितना ज्यादा एफर्ट चाहिए एक फिल्म को सक्सेसफुली रिलीज करवाने में। तो बहुत मुश्किल है कि ये फिल्म जनवरी में रिलीज हो जाए, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस फिल्म को कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, वैसे ही फिल्म को हिंदी डब वर्जन में रिलीज करवा दिया जाएगा थिएटर्स में। तो राम पोतीनेनी के लिए ये जो फिल्म है अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म साबित हो चुकी है। हालांकि एक रीमेक फिल्म है और इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को लगभग बहुत मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस ने पहले ही देख लिया है, पर एक रीमेक फिल्म को 7 अलग अलग भाषाओं में रिलीज करवाने का जो ये आइडिया है ये सही में बहुत ही चौंका देने वाला है। तो दोस्तों, मेकर्स के इस बयान पर या फिर कहें इस निर्णय पर आपका क्या विचार है, आपके क्या ओपिनियन है? क्या एक रीमेक फिल्म को 7 अलग अलग भाषाओं में रिलीज करवाना पैन इंडियन फिल्म के तौर पर सही है, या फिर ये एक जोखिम भरा कदम है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहीं तक था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।